हेलो फ्रेंड, जिसे देख पा रहे हैं आज मेरे पास है हीरो की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले आपको एक साइड लुक दिखाते हैं, देख पा रहे किस तरह से अट्रैक्टिव दिख रही है BS6 की FI की गाड़ी। और यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ पे आपको FI का बेजिंग देखने को मिल जाएगा, जो लिखा हुआ प्रोग्रामिंग स्टार्ट, यहाँ प्रोग्रामिंग FI, और यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पावर स्टार्ट। और इस जगह पे आपको दिख पा रहा होगा थ्रोटल बॉडी असेंबल है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके कंफर्टेबल का रिव्यू तो बहुत से भाई बना चुके हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर ECU कहाँ पर है, एरर कोड इसका कैसे चेक कर सकते हैं, और इसकी वायरिंग की बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाले, किस तरह से इसका वायरिंग वर्क करता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहे। चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको हम दिखाते हैं BS6 की जो FI की गाड़ियाँ होती है वो कैसे वर्क करता है और उसका वायरिंग हार्नेस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात कर ले, तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक की देख पा रहे कितनी अच्छी ग्राफिक्स है, और इस जगह पे 2D का लोगो आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस का जो साइड पैनल पे इसका जो काउल पे लिखा हुआ स्प्लेंडर प्लस, ये आपको 3D में मिलने देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देख पा रहे कितनी अच्छी से की हुई है, और फ्रंट से आप इस तरह से एक लुक देख लें, इस तरह से गाड़ी कुछ दिखती है। और इसमें इंडिकेटर वही ओल्ड वाले यूज किए गए हैं स्प्लेंडर प्लस पे, और यहाँ पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा जो 2D में है। यहाँ पे एक 3D का लोगो देखने को चाहिए था, इसमें एक यहाँ पे 3D का लोगो होना चाहिए, बट आप एक लुक देख लें गाड़ी का किस तरह से इतनी अट्रैक्टिव दिखती है ये कलर। तो चलिए फट से बिना टाइम वेस्ट किए इसके हम आगे के प्रोसेस बढ़ाते हैं, और आपको हम दिखाते हैं कि इसका वायरिंग किधर किधर से वर्क करता है। बाय द वे, कहाँ पे कहीं अगर प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से आप इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसके FI में कितने सेंसर लगे हुए हैं और कैसे वो सेंसर वर्क करते हैं, तो वीडियो को फट से शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके मीटर में, तो मीटर इसका आपको एनालॉग का ही मिलेगा। यहाँ पे इसका देख पा रहे ये इसका जो है स्पीडो सेंसर है, इस जगह पे इसका स्पीड बताता है। और यहाँ पे आपको दिखा दें मीटर में हमारी गाड़ी भी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, 103 किलोमीटर मात्र चली हुई है। और यहाँ पे इस जगह पे आपको एक साइड इंडिकेटर का सेंसर मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर मिल जाएगा, जैसे आप स्टैंड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा एक रेड कलर का लाइट जो बता देती है गाड़ी। और इस जगह पे आपको न्यूट्रल लाइट शो करेगा, और इस जगह पे आपको हाई बीम सिंबल शो करेगा, और ये हमारा चेक इंजन लाइट का यहाँ पे सिंबल लगेगा, एरर कोड जिससे आप निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक फ्यूल मीटर का एक यहाँ पे निशान मिल जाएगा, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का आपको सिंबल मिलेगा जो लेफ्ट और राइट ब्लिंक करने के बाद ये यहाँ पे शो करता है, लेफ्ट जलेगा लेफ्ट ब्लिंक करेगा, राइट जलेगा राइट ब्लिंक करेगा। और इस जगह पर आप देखें इसकी वही ओल्ड वाले स्विच को यूज करेंगे, इसमें प्रीमियम फिनिशिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्लस इसकी ग्रिपिंग की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी खासी ग्रिपिंग यूज की गई है, ब्रेकिंग वगैरह वही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसके अंदर IBS सिस्टम का ब्रेकिंग यूज होता है। चलिए अंदर की कुछ सारी डिटेल में बातें कर लेते हैं कि इसके अंदर चेकअप अडाप्टर आप कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका बैटरी का कैपेसिटी दिखाते हैं, और बैटरी के फ्यूज बॉक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर इसके चेकअप अडाप्टर के बारे में बात करेंगे, फिर इसका ECU कहाँ है और वो कैसे एरर कोड निकालता है वो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। बैटरी बॉक्स के डिटेल देने से पहले आपको कुछ सेंसर के डिटेल दे देते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको देख पा रहे हैं ब्लॉक में इसका थर्मल सेंसर टाइट है, जो इसके टेम्परेचर को ECU को डिटेक्ट करके बताता है कि हमारा टेम्परेचर अभी किस कंडीशन में है, गाड़ी कूल है या फिर हीट हो चुकी है, ये डिटेक्ट करके ECU को बताते रहता है कि हमारा अभी टेम्परेचर किस कंडीशन में, क्योंकि हमारी गाड़ी में चौक नहीं है। यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा इसके अंदर चौक नहीं है, क्योंकि FI की बाइक है, इसमें आपको चौक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस जगह से लेफ्ट साइड में आपको देखें तो यहाँ पर आपको अब देखने को मिल जाएगा थर्मल सेंसर। तो दोस्तों जैसे इसके राइट साइड आप यहाँ देखेंगे तो राइट साइड पे इस तरह से देख पा रहे कितनी अच्छी इसकी वायरिंग की फिनिशिंग और कवर करके हुए ऊपर ले गया, और इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा O2 सेंसर, जो हमारे एग्जॉस्ट से किस मात्रा में ऑक्सीजन निकल रहा है वो ECU को डिटेक्ट करके बताता है कि पोल्यूशन कितने मात्रा में निकल रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे के इसके कुछ सेंसर के बारे में, तो O2 सेंसर यहाँ पर आपको हेडमेटाइट मिल जाएगा, सॉरी थर्मल O2 सेंसर यहाँ पर हेडमेटाइट करने को मिल जाएगा, और आपको लेफ्ट साइड से अगर देखिएगा तो ब्लॉक में आपको थर्मल सेंसर मिल जाएगा, यानी दोनों ये हेड और ब्लॉक में एक एक सेंसर टाइट है। और इस जगह थ्रोटल बॉडी में देखा जाए तो यहाँ पे एक होता है TMAP सेंसर, एक होता है TPS सेंसर, और इसके अंदर पिकअप कोयल का भी एक सेंसर लगा होता है जिसे फ्लेशर कोयल बोलते हैं, इस जगह पे एक वो भी सेंस का काम करता है। देखो ऊपर आप अगर अंदर देखें तो उसके अंदर लगाया गया बैक एंगल सेंसर, जो गाड़ी लेफ्ट या राइट झुके तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो TMAP सेंसर का जो काम है वो काम है कि हवा का तापमान और प्रेशर कितना मेरा चाहिए इंजन में, वो ECU को डिटेक्ट करके बताता है, उसी हिसाब से इसको पेट्रोल यहाँ पर मिलता है। प्लस इस जगह पर आपको थ्रोटल के साइड में दिखा दें, जहाँ पर हमारा एक्सीलेटर वायर लगा हुआ
अंदर में, उसी के जस्ट साइड में यहाँ पे लगा हुआ है टीपीएस सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। यानी जितना आप एक्सलेटर खोलिएगा, थ्रोटल पोजीशन सेंसर ईसीयू को डिटेक्ट करके बताएगा कि हमारा थ्रोटल कितना खुला हुआ है, उसी हिसाब से हमारा इंजन में पेट्रोल जाएगा। तो टीपीएस सेंसर, टीपी सेंसर, थर्मल सेंसर, ओटू सेंसर और इसके सारे जो सेंसर लगे हुए हैं सब इधर अगल बगल टाइट है। और इस जगह पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका आरआर यूनिट टाइट है जो राइट साइड से हमारा आसानी से खुल जाएगा, जिसे रेगुलेटर और रेक्टिफायर कहते हैं। बहुत जल्द इसके वायरिंग की डिटेल लेके आएंगे। और इस जगह पे आप देखें तो यहाँ पे इसका एचटी कॉइल टाइट है। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे इन सब में अगर एरर कोड आ जाए तो कैसे आपका शो करेगा। तो एरर कोड जैसे ही आएगा तो यहाँ पे इसका चेक इंजन लाइट में यहाँ पे जलना चालू हो जाएगा। और उस एरर कोड को आप सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ चेकअप अडाप्टर असेंबल करने के बाद। बट आप बात कर लेते हैं कि इसके अंदर चेकअप अडाप्टर है कहाँ पे, तो उसके लिए आपको ना सीट ओपन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना इसका फ्यूल टैंक ओपन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ आप इसके लेफ्ट साइड के पैनल को ओपन कीजिएगा और आसानी से चेकअप अडाप्टर में अपने टैब या कंप्यूटर को कनेक्ट करके इसके कनेक्टिविटी लेके इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहां पे चेकअप अडाप्टर है, कौन सा पिन उसमें लगेगा, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों चेकअप अडाप्टर का जो यहाँ पे आपको इस जगह पे मिल जाएगा कनेक्टिविटी लेने के लिए, इस जगह पे यहाँ पे एक डॉट सा बना हुआ आपको दिखा देते हैं। पैनल का एक स्क्रू रिमूव कीजिएगा, पैनल को इस तरह से ओपन कीजिएगा और इसको बैक साइड प्रेस करने से इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके वायरिंग हार्नेस को कितनी अच्छे से कवर किया गया है। तो इसको जैसे इस तरह से यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह से सारा वायरिंग मिल जाएगा। बहुत जल्द इसके हम वायरिंग की डिटेल का वीडियो लाएंगे और आपको एक एक प्रोसेस और एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर का एक यहाँ पे सिंबल दिख पा रहा होगा, ये वाला, ये हमारा चेकअप अडाप्टर से कनेक्टिविटी लेने के लिए इस जगह पे लगा होता है। ये ना कोई सेंसर होता है ना कोई कुछ और होता है, सिर्फ ये कवर किया होता है। आपको ओपन करके दिखाते हैं। बहुत से भाई बोल देते हैं कि ये एक सेंसर है, तो ये सेंसर नहीं है। यहाँ से आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं इसका और प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपको प्रूफ के तौर के दिखाएं कि ये कोई सेंसर नहीं, सिर्फ वायरिंग को यहाँ से कवर कर दिया गया इसी से कनेक्टिविटी लेने के लिए। तो इस तरह से यहाँ से आपको पुश करना है, देखिए आसानी से खुल जाएगा। ये खुल गया और देखिए कि इस तरह से एक सॉकेट टाइप का बना हुआ है जिसको आप यहां से चेकअप अडाप्टर कनेक्ट करके अपने टैब या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक है जो गैराज वगैरह में हर जगह बनती है, तो इस तरह से आफ्टर मार्केट भाइयों को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ईसीयू और एफआई लगा दिया गया है। तो इस तरह से आप टैब में यहां से कनेक्टिविटी लेके इसका प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारा इसमें वायरिंग दिख रहा है, तो बहुत जल्द इसके वायरिंग का हम वीडियो लेके आएंगे। जब तक हम इसके जो है लेके जाते हैं आपको बैटरी साइड, आपको हम वहाँ पर दिखाते हैं तरह इसका फ्यूज वर्क करता है, इसका ईसीयू कहाँ पे है, चेकअप अडाप्टर आप यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप राइट साइड का पैनल ओपन कर लेते हैं, आपको हम बैटरी और फ्यूज के बारे में डिटेल दे देते हैं, कहाँ से कौन सा फ्यूज है और कौन सा फ्यूज खराब हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ जाएगी। तो पहले आप सभी को पता होगा लिक्विड वाली बैटरियाँ आती थी, बट आप ड्राई सेल कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे इसका सेल्फ का रिले लगाया गया यहाँ पे, और फ्लेशर इस जगह पे लगाया गया है यहाँ पे, इस जगह पे अंदर पे फ्लेशर है, यहाँ पे सेल्फ रिले है। और ये इसका फ्यूज बॉक्स है, इस तरह से इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, एक फ्यूज बॉक्स और एक इस जगह पे इसका फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे। ये देख पा रहे हैं ये इसका फ्यूज बॉक्स है और यहाँ पे इसका फ्यूज बॉक्स है, ये इसकी बैटरी है और यहाँ पे सेल्फ रिले और ये इसका फ्लेशर है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गया। और यहाँ पे आपको दिखा दें ये एक बड़ी सी टाइट है, यहाँ पे आरआर यूनिट जो बैटरी की हमारी चार्ज करने में मदद करती है, इस जगह पे आज चार्जर लगा हुआ है, यहाँ पे आरआर यूनिट लगा हुआ। तो ये बैटरी की डिटेल होगी, तो सारे चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लास्ट बात करते हैं कि इसका ईसीयू कहाँ है, जो बहुत से भाई सीडीआई, टीसीआई और इस तरह से बहुत सारे जो कॉइल पहले की गाड़ियों में आती थी, बट अब क्या कर दिया है कि BS6 की जब से गाड़ियाँ आनी चालू हो गई है उसमें क्या कर दिया गया कि ईसीयू को लगा दिया गया। तो ईसीयू है कहाँ पे, और बाय द वे कहीं अगर पानी वगैरह चला जाता है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, तो आप ईसीयू को कैसे ओपन करके उसको क्लीन कर सकते हैं या फिर कनेक्टिविटी लेने के बाद उसका प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ईसीयू को दिखाने के लिए हमें जो सीट के दो बोल्ट है उसको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो एक बोल्ट यहाँ पे इस तरह से राइट साइड मिल जाएगा, वैसे ही ओल्ड की तरह, इस सब में बदलाव नहीं किया गया है। अब ओपन आसानी से कर सकते हैं, इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट सिर्फ आपको घबराना नहीं, क्योंकि BS6 की गाड़ियाँ हैं, घबरा के अगर काम कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक यहाँ पे राइट साइड में इसका बोल्ट है, एक लेफ्ट साइड में, दोनों बोल्ट को ओपन करके आपको डायरेक्ट ईसीयू दिखाते हैं। तो इसके देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड का सीट का जो इसका जो बोल्ट है उसको ओपन कर दिए हैं, और आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा एक बड़ा सा ईसीयू लगा हुआ है।
दोस्तों इस तरह जगह पे आपका ECU लगा हुआ है, तो एक चीज़ों का आप ध्यान दें कि इसमें एक्स्ट्रा वायरिंग कहीं पे ना करें। और यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से इतना ज़्यादा स्पेस कर दिया गया है, यानी यहाँ पे पहले RR यूनिट लगा होता था जो अब यहाँ से हटा दिया गया, इसलिए इसका जगह देख पा रहे बहुत ज़्यादा क्लियरेंस बच गया है। और आप खास तौर पर जब भी गाड़ी को वॉश करवाएं तो इसके जो सीट पैनल को ओपन करके वॉश ना करवाएं, हाई प्रेशर वॉशिंग का ना करवाएं ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। यहाँ पे इसका ECU लगा हुआ है, इसको आप ओपन करके दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ से ये ओपन हो जाएगा आसानी से। ये देखिए एक बड़ा सा ECU लगा हुआ है और ये इधर से डस्ट भी आ जाता है, इसको कवर कर दिया गया कंपनी रिकमेंडेड। और इसमें देखिए बहुत सारा वायरिंग अभी आया हुआ है, इसका बहुत जल्द वायरिंग डिटेल लेकर आएंगे। और देखिए अगर बाय द वे ख़राब हो जाए तो आप कंप्लीट समझ नहीं पाइएगा कि ये ख़राब है या सही है, इसके लिए आपको कनेक्टिविटी लेना एकदम ज़रूरी है। यहाँ से आप कनेक्टिविटी ले लें, जब भी इन सब चीज़ों में छेड़छाड़ करें वैसे इन सब चीज़ों में छेड़छाड़ ना करें। तो यहाँ ECU है और बाकी सेंसरों के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। वीडियो हो रही बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे इसके वायरिंग कैसे वर्क करता है। एक एक वायरिंग के बारे में बात करेंगे, एक एक वायर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सेंसर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।